कितना एक्सपेंसिव है ये। ऐसे ही मुझे कोई केरला में बस स्टॉप पे छोड़ देता तो कितना मजा आता ना, मतलब दिल खुश हो जाता। एंड डू द बिलिंग, आपको दिखाती हूँ टोटल सामान कितना लिया है और दिखाती हूँ प्राइस अभी टोटल बिल कितना हो रहा है। हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल, दिस मी मानी अंगवानी योर बॉस गर्ल। और आज के ब्लॉग में आपको लेके जा रही हूँ कनाडा के ग्रॉसरी एक्सपीरियंस में। पहले भी ये ब्लॉग्स बनाए हैं एंड आई सॉ कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पसंद आते हैं जब मैं ऐसे डिटेल ब्लॉग्स डालती हूँ जहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ। सो राइट नाउ विथ माय प्रेस्टो कार्ड आई एम वेटिंग एट माय बस स्टॉप एंड आई थॉट अभी मैंने चाय भी पी है एंड बारिश हो रही है। एंड वन थिंग दैट यू हैव टू अवॉइड इन दिस ब्लॉग इज़ मेरी नॉट सो गुड आवाज़, क्योंकि मैं छः एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया और मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। फाइनली आई एम मेकिंग ब्लॉग, थोड़ा सा ठीक लग रहा है। एंड इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी मंथली कितना खर्चा होता है। नो फ्रिल्स जा रहे हैं, नो फ्रिल्स मैं जा रही हूँ वो है ब्रैम्पटन गेटवे टर्मिनल के यहाँ पे। एंड हर महीने में डिफरेंट डिफरेंट आपके कॉस्ट हो सकते हैं, 150 to 200 आपका ग्रॉसरी का कॉस्ट जा सकता है, क्योंकि कोई कोई महीने में आप एक साथ ग्रेन्स ले लोगे, आटा ले लोगे, चावल ले लोगे, घी ले लोगे, तो उस महीने आपका बिल ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो चलता भी लॉन्ग टर्म के लिए, तो नेक्स्ट महीने आपका कम हो जाएगा। सो ये महीने मेरा थोड़ा कम वाला चल रहा है क्योंकि लास्ट महीने मैंने जो बड़ी बड़ी चीज़ है वो ले ली थी। सो ग्रॉसरी का वेरी करता है मंथ टू मंथ। तो चलो बस बस का इंतज़ार है। सो दिस इज द एंट्रेंस फॉर नो फ्रिल्स एंड यहाँ पे ना बहुत अच्छी शॉपिंग कार्ट मिलती है जो इतनी बड़ी होती है ना, जो मुझसे बिल्कुल नहीं संभाली जाती है। सो लेट्स गो इनसाइड एंड चेक आउट नो फ्रिल्स बिकॉज ये मुझे प्राइस वाइज अच्छा लगता है। तो चलो दिखाते हैं आपको प्राइजेस इन कनाडा। चलो वो नो फ्रिल्स की अच्छी बात है कि जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे उनके बेस्ट डील्स जो होते हैं ना, मैगी, कुरकुरे, जो भी लाइक सबसे सस्ता वाला डील होता है वो यहाँ पे लगा होता है। लाइक मखाने $3, ऑब्वियसली इंडिया वालों को ज़्यादा लगेगा, महंगा लगेगा, बट सोयाबीन इज फॉर 1.50 फॉर $3 एंड यहाँ पे कुरकुरे $1 में मिलते हैं जो लाइक यहाँ के हिसाब से चीप है। एक्चुअली जब मैं कॉलेज की वेंडिंग मशीन से लेती हूँ ना, सो ये 3 times महंगी मिलती है। सो लेट्स चेक आउट मोर प्राइजेस। सी प्रोटीन बार भी यहाँ पे ऑफर में लगा है, दिस इज़ फ्रॉम केलॉग्स, दिस इज नट्स एंड मॉइक्स, सो लेट्स कीप इट फॉर यू 1.50। छोटी छोटी कोल्ड ड्रिंक्स $1। दिस इज द होल फ्रूट एंड वेजिटेबल सेक्शन। चलो दिखाते हैं रेट्स। एप्पल्स जो ऑलरेडी बैग्स में हैं, दिस इज़ फॉर लाइक $6। सो बनाना दिस फॉर ऑलमोस्ट $1। तो आप देख सकते हो टमाटोज आर फॉर 269 LV, सो LV लाइक हाफ ऑफ द किलो। एंड ये थोड़े महंगे होते हैं जो इंडियन टाइप के हैं, तो यहाँ बाहर के होते हैं वो सस्ते होते हैं, बट मुझे किसी ने बोला था कि उसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो आई प्रेफर दिस वन। एक बार मन में बात बैठ जाए, सो दिस इज टमाटोज। टमाटोज आर डेफिनेटली कभी कभी सस्ते भी मिल जाते हैं, बट दिस इज़ द रेट फॉर नाउ। तो 7.99, ऑब्वियसली बड़ा वाला पैकेट ज़्यादा सस्ता पड़ता है, बट इसका ये सीन है कि कभी कभी ख़राब भी हो जाते हैं, सो यू हैव टू रियली यूज़ दिस वन। एंड अगर आपको छोटे 2.99, obviously that is more beneficial. Potatoes येलो 2.44, ये तो भी सस्ते लग रहे हैं आपके आलू पराठे का जुगाड़। मुझे ना ये वाले सेक्शन में जितने भी सब्जियाँ होती है ना बहुत महंगी लगती है। देखो ये छोटे वाले बैंगन इज लाइक 5.55, $6 पर लाइक इतनी सी भिंडी, अगर आप इंडिया में रहते हो यार तो ये भिंडी कितने की मिल जाएगी आपके ठेले में आपके शहर में, मुझे कमेंट में बता देना। यहाँ पर लुट रहे हैं लोग भिंडी खाने के लिए। जो हम 20 रुपये में इतने लेते थे इंडिया में, यहाँ पर 3.99, और इतनी इतनी सी चीज़ें यार, ये है 4.99। सो $5-6 का यहाँ पे बजट कॉमनली है। ये साइड की सब्जियों का दिखा दो कौन कौन सी सब्जियाँ हैं, तो जो भी आपका, अगर आप बहुत अमीर हो गए हो तो आप सब्जियों पे स्पेंड करो।
बट मैं लिटरली कांदा, टमाटर, अदरक, लहसुन ये सब मेन मेन ले लेती हूँ, और जो मुझे बहुत मन करता है ना वो एक दो सब्जियाँ, बाकी मैं दालों पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो चलो आपको दूसरे सेक्शन पे लेके जाते हैं। भाई धनिया का तो रेट ही नहीं लिखा है, बट ये लेना ज़रूरी है, देखी जाएगी बिल पे। ये सारी आपको रेडी में टॉर्टिलाज लेनी है, दिस इज लाइक फॉर 4.29 और इसमें 10 टॉर्टिलाज है। और ये रस्क जो है ये हम भी खाते हैं चाय के साथ, और इसका जो प्राइस है 3.99, बट दिस इज़ टोटली वर्थ इट, लाइक आई लाइक दिस। देख लो हेल्दी खाना इतना महंगा नहीं है, $2 में आपको इतने सारे ओट्स मिल रहे हैं, सो दिस इज़ वर्थ इट। सो जो हमारी नॉर्मल ब्राउन ब्रेड आती है वो है 2.49 की, एंड लाइक दिस इज़ द क्वान्टिटी ऑफ इट। ब्रेड इज़ अ मस्ट, और ये वो लेना है यहाँ पे अगर आपको प्रोटीन वाली, नट्स वाली ये सब लेनी है, तो ये सब प्राइजेज हैं उसकी। एंड दिस इज़ द ड्राई फ्रूट सेक्शन, जस्ट एक आप खुद ही चेकआउट कर सकते हो कि क्या चीज़ें स्नैकिंग वगैरह कितने की है। एंड इफ आपको भी ऐसी स्वीट केक्स और ये सब पसंद है, सो दिस इज़ लाइक 3.25। एंड मुझे ये काफ़ी पसंद है, कभी मैं बाहर जा रही हूँ, जैसे मैं कल काम से बाहर जा रही हूँ, बाहर पैसे खर्च करने से अच्छा ये ले लो, यू आर ऑल गुड टू गो। सो दिस इज़ फॉर 3.25 एज वेल। सो इफ आपको चाय के साथ ये सब पसंद है, चटपटा क्रिस्प एंड ऑल, सो दिस इज़ फॉर 2.99। और ये मैं लेती हूँ, बट ये सब मैं अवॉइड ही करती हूँ, खाना अच्छा लगता है कभी कभी। गुड़, सो यहाँ पे लोग यार गुड़ बहुत खाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड पंजाबी शक्कर, और ये $4 की आती है। तो मैं भी सिर्फ और सिर्फ गुड़ खाती हूँ, मैं शुगर नहीं खाती, और मैंने देखा है इंडिया से ज़्यादा यहाँ पे ना ये डब्बे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, सो आपके डब्बे भी हो जाते हैं घर पे, और गुड़ भी हेल्दी होता है। सो चेक दिस आउट द रेट ऑफ इट। और स्टूडेंट लाइफ में आपको ऐसे ब्रेकफास्ट की, ओट्स की बहुत ज़रूरत है, ओट्स तो काफ़ी ज़्यादा सस्ते आते हैं जो नॉन फ्लेवर्ड वगैरह आते हैं, बट आई लव दिस वन। इफ़ आपको कभी क्रेविंग होती है तो हेल्दी में ग्रोनोलाज इज़ रियली गुड, बट आप देख रहे हो कितना महंगा है, राइट? अभी तक मैंने आपको इतना ही सेक्शन दिखाया है, इतना अभी इतने सारे आइल्स और बाकी नो फ्रिल्स इज़ लाइक क्वाइट बिग टू शो यू द वेराइटी। ये सब तो भी अच्छा है यार, मुझे ना ये सब सॉसेस बहुत पसंद है, तो मेरी अभी ख़त्म हो गई है, ये तो भी $2-3 में आ जाती हैं। I'm gonna buy this one. बट ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द बेस्ट प्राइस, लाइक मैंने दूसरे ही इधर देखा है, बट ये वाला जो ऑयल है ये मैंने $6 में भी देखा था एक बार में या कहीं पर। सो जो ये ऑयल्स हैं हर आउटलेट में डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस, कभी कभी बेटर लगे होता है। और जो दालें मैं आपको दिखा रही हूँ, सो जो मैंने अभी रिसेंटली बाय की है वो है छोटी क्वांटिटी, सो अगर आप छोटी क्वांटिटी बाय करोगे तो 3.49, और बड़ी लोगे तो वैसे आपको कन्वीनियंट भी पड़ जाता है, राइट? सो जो मैं दालें कम खाती हूँ वो मैं कम क्वांटिटी लेती हूँ। ऑयल भी आप डेफिनेटली अच्छे चूज़ किया करो, शॉपिंग कार्ट इतनी भरी है और बहुत ज़्यादा सोच समझ के शॉपिंग करनी होती है एज अ स्टूडेंट। अच्छी चीज़ें लो, अच्छी क्वालिटी की और न्यूट्रिशन वाइज। वाली जो है ये मेरी फेवरेट सॉस है, दिस इज़ फॉर लाइक 3.29, और अदरक गार्लिक पेस्ट इज़ फॉर लाइक 3.50। देख लो इतनी सारी वैरायटी है और ऑलमोस्ट $2-3 में है सब। एंड ऑल आई नीड इज अभी सॉसेस में मुझे केचप चाहिए, केचप के भी रेट आपको बता देती हूँ, दिस इज़ फॉर लाइक 3.29, 4.49, 4.99, जो भी अब इसमें से बेस्ट सस्ता लगेगा ले लेते हैं। मैगी कैसे की है? 0.49 एकदम, सबके घर में मैगी होती है। और एक जो चीज़ जो कह रहे हो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी वो है 3.97 का साग मिलता है यहाँ पे, और मैंने ये एक बार अपनी स्टोरी में भी शेयर किया था कि आपको सिर्फ तड़का बना के साग जो है ऑलरेडी बना होता है उसको डाल देना होता है, तो 5 मिनट्स इंस्टेंट साग है, ऑब्वियसली आप 10 मिनट एक्स्ट्रा दे के बनाना, बट बहुत स्वाद होता है। एंड ये पूरा फ्रोजन वाला सेक्शन है, बट आई वुड से कि फ्रोज़न आप अवॉइड ही करो कभी कभार। मैं कोई कोई सब्ज़ियाँ ना सस्ती मिलती है, जैसे मटर वगैरह ख़राब भी हो जाता है, सो मैं फ्रोज़न ही प्रेफर करती हूँ। बट ये जो समोसा और ये सब बने हुए हैं यार, मतलब बने हुए प्रोसेस्ड फूड को भी फ्रोज़न करके बेच रहे हैं, नॉट गुड।
सो जब भी मुझे भिंडी खाने का मन करता है मैं ये फ्रोजन वाली लेती हूँ, 1.79 की मिलती है, कटी हुई भी मिलती है, और मटर वगैरह भी ले लेती हूँ, करेले भी, बिकॉज नहीं खाने से तो अच्छा है खा लो। सो फ्रोजन में एटलीस्ट सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी महंगी से सस्ती मिल जाती हैं, तो मैं फ्रोजन सब्जियाँ ले लेती हूँ कभी कभी। और आइसक्रीम्स लिटरली रसमलाई से लेके एवरीथिंग यू गेट, मिल्क केक प्राइजेस आप देख ही लो उस पर लिखे हैं, और आइसक्रीम्स यहाँ पे $3 से भी स्टार्ट होती हैं, $6 तक आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे यार। तो मैं ये बता रही थी कि मैं हमेशा फ्राइज में हैश ब्राउन और पैटीज ये मैंने बहुत ली है, दिस इज फॉर लाइक 3.99। आप इसको जस्ट कर सकते हो, रोस्ट कर सकते हो पैन में, माइक्रोवेव कर सकते हो, और ब्रेड के साथ बर्गर के पैटीज के साथ खा सकते हो। बट अभी मैंने रिसेंटली डिसाइड किया कि फ्रोजन थोड़ा अवॉइड करते हैं एंड चलो हेल्दी हेल्दी लेते हैं। अच्छा, तो नो फ्रिल्स का एक ये भी सेक्शन है जहाँ पे आप ये सारे जार्स, माइक्रोवेव, ये सारी चीज़ें ले सकते हो। बट ऑब्वियसली ये जब मैं इनिशियली आती हूँ तब ये सारी चीज़ें लेनी होती है, बट जस्ट इन केस आपको पता नहीं हो, यहाँ पे पैंस मिलता है $20, कई जगह मैंने $10 $15 के भी देखे हैं, एंड दीज आर द सेक्शंस। मैं योगर्ट भी लेती हूँ, $5-6 के बीच में मिल जाता है फ्रूट्स के साथ, इट्स काफ़ी नाइस टू हैव। दही लास्ट टाइम मैंने $8 में 3 ली थी ऑफर में, एंड दिस इज़ द रेट। बटर इज़ फॉर 3.49। यहाँ पे ना क्लीनिंग का सामान बहुत महंगा मिलता है, तो ये भी एक आपका एडिशनल खर्च होता है। जो मैं आपको बोल रही थी ना कि कोई मंथ आपका बहुत खर्चा हो जाएगा, कोई आपका कम होगा, इसलिए क्योंकि किसी टाइम आपकी कभी आपका क्लीनिंग का, कभी टिश्यू पेपर्स, कुछ ना कुछ ख़त्म होता रहेगा। टिश्यूज आर ऑल्सो एक्सपेंसिव, $6-7 का वो भी खर्चा होता है लिटरली। यू हैव टू एंड यू कैन सी $5-6 के, और इतने इतने इनके क्लीनिंग वाले डब्बे आते हैं, विच इज़ लाइक सो एक्सपेंसिव। एंड तभी लोग शायद से डॉलरामा वगैरह भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंपेरेटिवली इन एक्सपेंसिव मिलता है। ये सेम चीज़ है अगर आप कहाँ पे वॉलमार्ट या फिर कहीं पे थोड़ा सस्ता मिलता है, दिस इज़ वे एक्सपेंसिव। और यही अगर आप इंडियन स्टोर पे जाओ तो और $1 महंगा, इससे भी ज़्यादा। फटाफट टिश्यूज़ के रेट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेंस होता है। सो अगर आप बड़ा वाला पैक लेते हो $13, एंड इसमें है 7। जैसे शौक पूरे करने होते हैं ना, जैसे मुझे बैग में कुछ कुछ फंड रखना होता है एज अ स्टूडेंट, जैसे चिप्स हो गए, कुछ जूस हो गया, तो दिस इज़ लाइक फॉर 2.99, और इसमें आते हैं ऑलमोस्ट 8 पैक ऐसे जूसेस के। तो ये ऐसे ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करो, टिम मैम पे $2-3 खर्च करने से अच्छा है $2-3 में डायरेक्टली 8 जूस के पैक्स। सो जब भी कॉलेज जाओ ऐसे ऑप्शंस लेके जाओ, अभी तो समर आ रहे हैं, सो कीप सच ऑप्शंस विद यू। गाइस जितनी भी गुजिया वजिया चाट और ये नमकीन वाला सेक्शन है, सो $2-3 आप देख सकते हो, 1.79 यहाँ पे 2 में भी आ जाते हैं, चकली इज़ लाइक 199। $2 मैन, मतलब कितना हुआ, 124 रुपीज़ फॉर दिस बुलशिट, नेवर। और ये जो है ये बेवरेजेस वाला सेक्शन है, ओके मैं रूह अफजा ढूंढ रही थी, सो 3.99 डेफिनेटली वर्थ इट। चलो कोको कोला एंड ऑल, बट इसका मुझे बिल्कुल ऑब्सेशन नहीं है। आई नो रूह अफजा में भी शुगर है एंड आई अवॉइड शुगर, बट कोक वाली शुगर का डेफिनेटली अवॉइड फॉर शुगर। 3.79 का ये लेज है, मतलब मैं लिटरली इंडिया में घर से 20-30 रुपए लेके निकलती थी, 5-10 रुपीज़ के इतने सारे कुरकुरे चिप्स सब लेके आती थी, और यहाँ पे हम ऑलमोस्ट $4 दे रहे हैं आफ्टर टैक्सेस भी। आप देख लो कितना एक्सपेंसिव है ये खाना, कितना एक्सपेंसिव है यहाँ पे। सो अच्छी बात है, इंसान हेल्दी हो जाता है, ये सारी चीज़ें एक्सपेंस अवॉइड करने लग जाता है। बट मैंने मेरे फ्रेंड्स को देखा है काफ़ी ज़्यादा इस पर पैसे खर्च करते हैं, एंड आई डोंट फाइंड इट वर्थ इट एट ऑल। सो चॉकलेट स्टेट इन कैनेडा, नो फ्रिल्स स्पेसिफिकली। तो चाय पत्ती यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा, लाइक मैंने जो ली है वो बहुत ही बड़ी वाली ली है, 10.99, ऑलमोस्ट $11 की चाय पत्ती है, बट ये काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में है।
और जो ताजमहल वाली है 12.99। सो ये भी बड़ा वाला बॉक्स है। सो चाय पत्ती तो चलती है यार, मैं ज़्यादा भी नहीं बनाती। आई थिंक मैंने तो साल भर की चाय पत्ती ले ली है। वो मॉर्निंग के लिए ऑब्वियसली पोहे वगैरह पे इन्वेस्ट करो, 2.99 अगेन। कितनी सारी पंजाबी शुगर, और आप ये भी ले सकते हो बट दिस इज स्टिल एक्सपेंसिव, दिस राइस इडली। और यहाँ पे सारे मोस्टली इंडियन मुझे ये सेक्शन दिख रहा है। सो कैनेडा में मसाले भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं, बट अभी आपको आटे का रेट दिखा देती हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पे महंगा है, 18.99 का शेर का आटा। यहाँ पे देसी स्टाइल सब यही खाते हैं बिकॉज बाकी कोई सूट नहीं करता। पास्ता स्टिल यहाँ पे सस्ते मिलते हैं, $2 समथिंग, 2.99। पास्ता यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। एंड जस्ट वाइंडिंग अप माय व्लॉग, आपको राइस के भी प्राइसेस दिखाने थे। सो $14-15 में मैं जो लेती हूँ वो है इंडिया गेट का बासमती दावत वाला। सो वो भी समथिंग 14। मैं ये वाला नहीं लेती हूँ, मैं ये वाला लेती हूँ। सो इसका यहाँ पे प्राइस है 16.99, बट मैं जब लेती हूँ तो $15 का। मैं जहाँ से लेती हूँ, इंडियन स्टोर है, वहाँ पे $15 का मिल रहा था लास्ट टाइम। लेट्स गो एंड डू द बिलिंग। आपको दिखाती हूँ टोटल सामान कितना लिया है और दिखाती हूँ प्राइस अभी, टोटल बिल कितना हो रहा है। सो ये टोटल सामान, लेट्स गो फॉर बिलिंग। प्राइस जो बिल हुआ था वो था $76 इतनी ग्रॉसरी का। सो लेट्स गो पीसी, हमने फाइनेंशियल भी बना लिया है। एंड लिटरली अभी 8 बज रहे हैं शाम के और कहीं से नहीं लग रहा है आजकल 8-8:30 बजे अंधेरा हो रहा है। नाम का समर्स है बट इट्स स्टिल रेनी। और ऑब्वियसली ग्रॉसरी आपको खुद ही उठा के जाना पड़ता है। काश इंडिया की मेरी एक्सेस होती तो मैं आगे रख के पहुँच जाती घर। कोई नहीं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन फॉर दिस व्लॉग। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ इंसाइटफुल शॉपिंग मिली होगी, आइडिया, कॉस्ट और टिप्स बाय मी। एंड या मेक श्योर ऐसे व्लॉग्स के लिए आप सब्सक्राइब करो। एंड या सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।